देखिए भाई आगे सबक व मिसलु ला अबा लहू वला गुलामै लहू ऐ कुल्लु तरकीबिन यकूनु फीही बाद अस्मिल लती लिनफील जिन्स लामुल इजाफती व उजरी अला जालिकल इस्मि अहकामुल इजाफती मिन इस्बातिल अलिफ फी नहवी अबा व हस्फिन नूनि मिन नहवी गुलामैनि जाइज़ुन। भाई गुज़श्ता सबक में ये मसला हमने पढ़ना शुरू किया था। साहिबे काफिया ने आपको बतलाया कि ला अबा लहू, ला अबा लहू, इसमें ला अबा लहू पढ़ना भी जायज है यानी अलिफ के इस बात के साथ, और ला गुलामैनी लहू इसके अंदर ला गुलामै लहू यानी हज़्फ़े नून के साथ भी इसको पढ़ना जायज है। भाई और इससे किस किस्म की तरकीबें मुराद हैं, मैंने आपको बतलाया था जिसमें लाए नफी जिन्स का इसम जो है वो अब या आख या समाय सित्ता में से हो एलावा जू के, और या तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम हो। भाई तो ला का इसम जब ये अब अख वगैरह या तस्निया जमा वगैरह हो और उसके बाद आगे लाम इख्तिसास आ रहा हो और वो लाम इख्तिसास दाखिल हो रहा हो किसी मारिफा पर, चाहे वो जमीर हो चाहे इसमें जाहिर हो, तो इसके अंदर ला का इसम जो है वो तो मबनी होना चाहिए अलामत नसब पर, लेकिन इस ला पर इजाफत के अहकाम जारी करना यानी अलिफ का इस बात कर देना अब अख वगैरह में और तस्निया और जमा से नून को गिरा देना ये जायज है, ये जायज है। मैंने बताया था ला अबा लहू असल में है ला अबा लहू और ला गुलामै लहू ये असल में क्या है ला गुलामैनी लहू, तो ये मबनी है अलामत नसब पर और ज्यादातर अरबी में इसी तरह आया है, लेकिन कलील जो है ला अबा लहू या ला अखा लहू या इसी तरह ला गुलामै लहू भी आया है, यानी इस ला के इसम पर मुजाफ वाले अहकाम जारी कर दिए गए। भाई जमहूर कहते हैं कि यह हकीकत के अंदर मुजाफ हो रहा है लाम के मदखूल की तरफ, लेकिन माना के एतबार से मुजाफ है, लफ्जों के एतबार से मुजाफ नहीं। इस पर इश्काल होता है कि इजाफत के अंदर तो लाम मुकद्दर होता है गुलामुन ले ज़ैदिन, और फिर जब आप इजाफत करेंगे तो लाम मुकद्दर हो जाएगा गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, तो यहां पर तो लाम लफ्जों के अंदर मौजूद है, तो ये कैसी इजाफत है कि लफ्जों के अंदर लाम मौजूद है, तो वो जवाब देते हैं जमहूर कि वो लाम इजाफत जो है वो लाम यहां पर भी मुकद्दर ही है, और ये दूसरा लाम है जो लाम ज़ाइद जो उस पहले लाम की ताकीद के लिए लाया गया है, तो वो लाम इजाफत यहां भी मुकद्दर है। फिर सवाल पैदा हुआ कि जब वो लाम इजाफत मुकद्दर है तो ये दूसरा लाम लाने की क्या हाजत थी, क्या जरूरत थी, तो वो जवाब देते हैं कि अरब इस पर नसब पढ़ना चाहते थे, अरब इस पर नसब पढ़ना चाहते थे इसलिए इसकी इजाफत कर दी। तो अब ला के इसम की तीनों शर्तें पूरी हैं, असल में तो है ला अबा लहू, ला अबा लहू, लेकिन इसकी इजाफत कर दी आगे लहू में जो हा जमीर है, या आगे अगर कोई इसम है इसमें जाहिर ला अबा लिज़ैदिन तो उसकी तरफ इजाफत कर दी, तो अब इस अब के अंदर तीनों शर्तें पूरी हो गई, एक तो ये ला के साथ मिला हुआ है नीज नकेरा है और नंबर तीन मुजाफ है, और इस सूरत में ला का इसम मनसूब होता है तो इसलिए इसको मनसूब पड़ा, ला अबा लहू ला गुलामै लहू मनसूब पड़ा, मंसूब पड़ा, तीनों शर्तें पूरी हो गईं, और नीज लाम को मजबूरन लाना पड़ा, वजह यह कि अगर लाम को नहीं लाएंगे तो फिर ये अब का लफ्ज जमीर या ये जो ला का इसम है ये जब लाम का मदखूल जो कि मारिफा है उसकी तरफ जब ये मुजाफ होगा तो ये भी मारिफा बन जाएगा, और लाम जब भी मारिफा पर दाखिल होता है तो ला का अमल मुलगा हो जाता है, वो अमल नहीं करता, फिर उस इसम पर रफा भी पढ़ना पड़ता है और नीज तकरार इसम भी करना पड़ता है, तो ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, तो लिहाजा रफा भी आ रहा था और नीज तकरारे
तकरार लाबी था, तो इससे बचने के लिए कि नसब भी पढ़ें रफा न पढ़ें, नसब पढ़ें और नीज ताकि तकरार ला और तकरार इसम से भी हम बच जाएं, कलाम में तख़फ़ीफ़ हो, कलाम मुख्तसर रहे। तो इसलिए यहां पर क्या किया, यहां पर इस लाम को लफ्जों के अंदर ले आए ताकीद के लिए। बात समझ में आ गई, तो लाम लाने से दोनों मसले हल हो गए। इजाफत की वजह से नसब का पढ़ना भी जायज हो गया, इजाफत हो रही है, और नीज ला का इसम मारिफा भी नहीं बना। बात समझ में आ गई, तो ये जमहूर का मजहब है। इसी तरह इमाम सीबवे और इमाम खलील इब्ने अहमद और इन सब का यही मजहब है। तो दोनों मसले हल हो गए, नसब भी पढ़ लिया और मारिफा भी न बना भाई। जबकि साहिब काफिया फरमाते हैं कि नहीं, ये मुजाफ नहीं है, ला आबा लहू ये आबा का लफ्ज हा जमीर की तरफ मुजाफ नहीं, और ला गुलामे लहू ये गुलामे का लफ्ज लहू की हा जमीर की तरफ मुजाफ नहीं है। हां, इसको मुजाफ जैसी सूरत दी गई है, इसलिए क्योंकि ये जो ला का इसम है इसकी मुशारकत आ गई मुजाफ के साथ, यानी जैसे मुजाफ के अंदर इख्तिसास आ जाता है, इस ला के इसम में भी क्या आ गया, इख्तिसास आ गया, तो इख्तिसास के माना में ये मुजाफ के साथ शरीक हो गया, और जब ये उसके साथ शरीक हो गया, उस जैसा हो गया, तो उस जैसी सूरत ही इसको दे दी, इस मुजाफ जैसी सूरत दी है, मुजाफ जैसे के मुशाबे इसको बनाया गया है। यह हकीकत में मुजाफ नहीं है, और क्यों मुशाबे बनाया गया, क्योंकि यह मुजाफ के साथ शरीक है इख्तिसास के अंदर। जैसे इजाफत इख्तिसास का फायदा देती है, इस तरकीब के अंदर भी लाम मौजूद है जो किस चीज का फायदा दे रहा है, इख्तिसास का फायदा दे रहा है। देखो, याद रखो, याद रखो, मैंने आपको बतलाया था कि कभी कभार नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ होती है और कभी नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ होती है। नकेरा की इजाफत जब नकेरा की तरफ हो तो वहां तख्सीस आ जाती है, उस मुजाफ में इख्तिसास आ जाता है, वो खास हो जाता है। जैसे गुलामुन, ये दुनिया के हर गुलाम पर यह लफ्ज बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप इस गुलाम की इजाफत कर दें रजुल नकेरा की तरफ, गुलामु रजुलिन, अब मालूम हुआ गुलामु रजुलिन जो है अब ये सिर्फ मर्दों के गुलाम पर यह लफ्ज बोला जा सकता है, औरतों के गुलाम पर यह लफ्ज सादिक नहीं आएगा। तो देखो इख्तिसास आ गया, क्या आ गया, इख्तिसास आ गया, यह गुलाम अब खास हो गया मर्दों के साथ। तो यह थी नकेरा की तरफ इजाफत, जब नकेरा की जाए तो उसमें तख्सीस आती है, या यूं कहो उसमें इख्तिसास आता है, और जब नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो तो वहां तारीफ आ जाती है। गुलामु जैदिन, देखो गुलाम की इजाफत जैद की तरफ की तो ये क्या बन गया, मारिफा बन गया। नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ हो तो इख्तिसास, नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो तो तारीफ, लेकिन जहां तारीफ आती है वहां भी इख्तिसास होता है। गुलामु जैदिन, यहां गुलाम का लफ्ज मारिफा बन गया लेकिन साथ इख्तिसास भी आ गया, ये किसका गुलाम है, जैद का है, अमर बकर या खालिद का नहीं है। मालूम हुआ इख्तिसास हर सूरत में इजाफत के अंदर आएगा, चाहे इजाफत नकेरा की तरफ करें चाहे इजाफत मारिफा की तरफ। मालूम हुआ इजाफत असल में इख्तिसास का फायदा देती है। मालूम हुआ इजाफत का असल माना क्या है, इख्तिसास है, ये असल में इख्तिसास का फायदा देती है। हां, कभी कभार तारीफ का भी फायदा दे देगी, लेकिन वो खास खास मादों में। कभी कभी इजाफत तारीफ का भी फायदा देगी, लेकिन वो खास मादों के अंदर जब आप मारिफा की तरफ इजाफत करेंगे, लेकिन वहां भी इख्तिसास जरूर आएगा। तो इजाफत जो सी भी हो वो हमेशा इख्तिसास का फायदा देती है। मालूम हुआ इजाफत का असल माना क्या है, इख्तिसास भाई, इख्तिसास। और यहां पर भी लाम इख्तिसास मौजूद है, तो इस तरकीब के अंदर भी इख्तिसास आया लाम की वजह से, इसमें भी क्या आ गया, इख्तिसास आ गया। तो ये मुजाफ के साथ शरीक हो गया इख्तिसास के माना में, तो इसको मुजाफ के मुशाबे बना दिया गया, उस जैसी सूरत दे दी गई। बात समझ में आ गई, और फिर आगे आपको बतलाया था कि ये हकीकतन मुजाफ नहीं हो सकता, साहिब काफिया फरमाते हैं, इसलिए फर्क समझ में आ रहा है। जमहूर के नजदीक ये हकीकतन ला अबा लहू, ये अबा हकीकतन मुजाफ है लाम के मदखूल की तरफ, और जबकि साहिब काफिया फरमाते हैं कि नहीं, ये हकीकतन मुजाफ नहीं, सिर्फ मुजाफ जैसी सूरत दी गई है, क्योंकि ये मुजाफ के साथ शरीक है इख्तिसास के माना में।
साहिब काफिया फरमाते हैं कि अगर आप यहां इजाफत मानेंगे तो फिर माना खराब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ला आबा लहू इसका माना हो जाएगा ला आबाहु, तो इसके लिए खबर अलग निकालना पड़ेगी, ला आबाहु मौजूदुन। इसी तरह ला गुलामै ही मौजूदानी खबर अलग निकालना पड़ेगी, हालांकि बिल इत्तेफाक ये कलाम पूरा है, यहां कोई खबर निकालने की जरूरत नहीं। ला आबा लहू ये कलाम पूरा है, मुस्तकिल जुमला है पूरा, और ये किसी और लफ्ज का मोहताज नहीं। लेकिन अगर जमहूर की बात ली जाए और इजाफत को मान लिया जाए तो फिर माना खराब होगा। किस तरह माना खराब होगा? एक तो खबर महजूफ निकालना पड़ेगी, उसके बगैर चारा नहीं, और नीज दूसरा ये कि जो माना मकसूद है उसके अंदर भी खराबी आ जाएगी। ला अबा लहू मकसद यह है, मुतकल्लिम किसी के बारे में कहना यह चाहता है कि उसके लिए जिनसे बाप ही नहीं है, उसकी मजम्मत कर रहा है, उसके लिए जिनसे बाप ही नहीं है, यानी किसी ने उसकी तरबियत नहीं की, किसी ने उसको अच्छे अखलाक नहीं सिखाए, किसी ने उसको अच्छी आदात नहीं सिखाई, तो यहां मजम्मत मकसूद है। तो उससे जिनसे अब की नफी करना मकसूद है, और अगर आप इजाफत मान लेंगे तो कलाम का माना क्या बन जाएगा? ला अबाहु मौजूदुन, अबाह की इजाफत हो गई हा जमीर या मारिफा की तरफ, तो वो भी क्या बन गया? मारिफा। और मारिफा किसे कहते हैं? जो किसी मुतायन और मालूम जात पर दलालत करे, तो कलाम का माना ये होगा ला अबाहु मौजूदुन, उसका वो जो मालूम और मुतायन बाप है उसका वजूद नहीं है। तो देखो मालूम और मुतायन बाप, ये तो आपने उसके लिए बाप का इस बात कर दिया कि जो मालूम है मुतायन है सबको उसका पता है भाई, तो मकसद क्या था? उससे जिनसे बाप की नफी करना, और अगर आप इजाफत मान लेंगे तो फिर तो उसके लिए मालूम और मुतायन बाप का सबूत आ जाएगा, ये तो मकसूद के खिलाफ हो गया, मुतकल्लिम का तो ये इरादा और ये मकसूद नहीं है। इसी तरह ला गुलामै लहू मकसद यह है फुलां के लिए जिनसे दो गुलाम ही नहीं है, यानी वो इतना मालदार नहीं है कि उसके लिए दो गुलाम हो सकें, एक गुलाम तो हो सकता है लेकिन दो गुलाम उसके लिए नहीं हो सकते, इतना मालदार नहीं है। तो ला गुलामै लहू का मकसद यह है, तो आप उससे दो गुलामों की नफी करना चाहते हैं, लेकिन अगर इजाफत मान ली जाए तो ला गुलामै ही मौजूदानी, उसके वो जो दो मालूम और मुतायन गुलाम हैं वो मौजूद नहीं हैं, वो जो दो मुतायन और मालूम गुलाम हैं, मालूम हुआ सबको मालूम है उसके वो दो मुतायन और मालूम गुलाम, तो आप तो करना चाहते थे कि इसके लिए दो गुलाम हो ही नहीं सकते, और आपकी अगर इजाफत मान लें तो फिर तो आपके माना है दो गुलाम हैं और सबको उनका इलम भी है, अलबत्ता इस वक्त वो मौजूद नहीं है। तो ये तो आपने दो गुलामों का उसके लिए इस बात कर दिया, हालांकि आप उससे दो गुलामों की नफी करना चाहते थे। बात समझ में आई? तो माना मकसूद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, इसलिए यहां पर हकीकतन इजाफत नहीं हो सकती भाई। तो मुजाफ जैसी सूरत है हकीकत में यह मुजाफ नहीं है भाई। तो चुनांचे कहते हैं इसीलिए ला अबा फीहा कहना जायज नहीं, ला अबा लहू अलिफ के साथ कहना तो जायज है जब लाम हो, लेकिन जब फी वगैरह कोई और हर्फ जर है वहां पर आप अलिफ के इस बात के साथ नहीं कह सकते ला अबा फीहा। तो यहां पर फी या और कोई हर्फ जर हो तो फिर ये नहीं कह सकते, वजह ये क्योंकि यहां पर लामे इख्तिसास नहीं है, तो ला अबा फीहा नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर लामे इख्तिसास मौजूद नहीं है। और नीज अब की जब इजाफत की जाती है किसी चीज की तरफ तो वहां यह बतलाना मकसूद होता है कि यह उबूवत खास है उसके साथ, और फीहा की हा जमीर दार को राजे है, और दार के साथ तो उबूवत का इख्तिसास नहीं हो सकता भाई। तो इसलिए ला अबा फीहा कहना जायज नहीं, बल्कि ला अबा फीहा कह सकते हैं आप। बात समझ में आ गई जी? ये तो था गुज़श्ता सबक का खुलासा और पूरे मसले की तफसील भाई। अब आइए इस सारे को हम शरा के साथ हल करेंगे भाई। तफसील तो पूरी बयान हो गई, अब सिर्फ नफ्स तर्जमा बाकी है भाई। कहते हैं व मिसलु ला अबा लहू वला गुलामै लहू, इस जैसी जो तरकीबें हैं, ऐ कुल्लु तरकीबिन यकूनु फीही बाद अस्मिल लती लिनफील जिन्स लामुल इजाफती, यानी हर ऐसी तरकीब जिसके अंदर
लाए नफी जिन्स के बाद जो है ला में इजाफत आ रहा हो, ला अबालहू। इसमें देखो लाए नफी जिन्स के इसम के बाद क्या रहा है, ला में इजाफत। तो कहते हैं आई कुल्लु तरकीबिन यकूनु फीही बाद अस्मी लल्लती लिनफील जिन्सी लामुल इजाफती, यानी हर ऐसी तरकीब जिसके अंदर लाए नफी जिन्स के इसम के बाद लाम इजाफत हो, व उजरिया अला जालिकल इस्मी, और जारी किया जाए उस इसम पर, वो जो लाए नफी जिन्स का इसम है उस पर जारी किया जाए, अहकामुल इजाफती, इजाफत वाले अहकाम जारी किए जाए। मीन के साथ बयान है भाई किस किस्म के अहकाम, कहते हैं मीन इस्बातिल अलिफ फी नहवी अबा, जैसे अलिफ का इस्बात है अबा जैसे लफ्ज में, व हज़्फ़ नून मीन नहवी गुलामैनी, और जैसे हज़्फ़ नून है गुलामैन जैसे लफ्ज से, जाइज़ुन ये जायज है, यानी अन्नल असल फी मिसली हाज़ैनी तरकीबैनी अन युक़ाला, यानी कि असल ये है कि इस जैसी तरकीबों में यूं कहा जाए, ला अबा लहू वला गुलामैनी लहू, ला अबा लहू कहा जाए और ला गुलामैनी लहू कहा जाए, ला अबा लहू बगैर अलिफ के और ला गुलामैनी मा नून के कहा जाए, यानी ये मबनी है अलामत नसब पर। फयकून उस्मु ला फीही मा मबनियन अला मा युनसबु बिही, तो इनके अंदर लाए नफी जिन्स का जो इसम है वो मबनी है अलामत नसब पर। वल जारु माल मजरूरी खबरन लहा, और जार मजरूर के साथ मिलकर ये उस ला के लिए खबर है, ये उस ला के लिए खबर है, और ला का इसम मबनी है अलामत नसब पर। वक़द जा अला किल्लतिन, और तहकीक आया है अला किल्लतिन कलील, भाई किल्लत के पर आया है यानी बहुत कम आया है, मिसलू ला अबा लहू अलिफ के साथ, वला गुलामै लहू नून के इसकात के साथ ये भी आया है। तो कहते हैं वक़द जा अला किल्लतिन मिसलू ला अबा लहू वला गुलामै लहू, और तहकीक किल्लत पर आया है अरबी जुबान के अंदर ला अबा लहू और ला गुलामै लहू, बिज्यादतिल अलिफ फी मिसली अबा, अबा जैसे लफ्जों में अलिफ की ज्यादती के साथ, व इसकातिन नून फी मिसली गुलामैनी, और नून के इसकात के साथ गुलामैनी जैसे लफ्जों में, कमा फी हालिल इजाफती जैसे कि इजाफत की हालत में होता है, जैसे कि इजाफत की हालत में होता है, तशबीहन लहू, तशबीहन लहू मुशाबे बनाने के लिए लहू उस ला के इसम को, ये ला अबा ये अब क्या है ला का इसम, और ला गुलामैन ये गुलामैन क्या है ला का इसम, इसको मुजाफ के मुशाबे बनाने के लिए तवज्जो है। तो तशबीहन लहू का क्या तर्जमा करना है, तशबीह देने के लिए ये तर्जमा ना करना बल्कि मुशाबेह बनाने के लिए, तशबीहन मुशाबे बनाने के लिए लहू ऐ लिस्मी ला, ला के इसम को किसको मुशाबे बनाना है, ला के इसम को। तवज्जो से सुनो भाई, ये तशबीहन लहू ये लहू की हाजमीर ला के इसम को राजे है, तवज्जो है। आगे साहिबे जामी एक और तरकीब करेंगे, इसमें हाजमीर के मर्जिया को वो बदल देंगे, लेकिन इस वक्त एक तरकीब के मुताबिक क्या लहू की हाजमीर किसको लौट रही है, ला के इसम को। तशबीहन लहू ऐ लिस्मी ला, मुशाबे बनाने के लिए ला के इसम को, फी हाज़ैनी तरकीबैनी इन दो तरकीबों में, मा अन्नहु लैसा बिमुज़ाफिन बावजूद इसके कि ये मुज़ाफ नहीं है, बावजूद इसके कि ये ला का इसम इन तरकीबों में मुज़ाफ नहीं है, उसको मुशाबे बनाने के लिए बिल मुज़ाफी किसके साथ, मुज़ाफ के साथ, व इजराअन लि अहकामिल मुज़ाफी अलैही, और उस पर मुज़ाफ के अहकाम जारी करने के लिए, भी इस बातिल अलिफी व हज़्फिन नूनी अलिफ के इस बात और नून के हज़्फ के साथ भाई, फयकूनु मुअरबन, तो इस सूरत में अब ये ला का इसम क्या होगा, मुअरब। इधर देखो ला अबा लहू ला का इसम मबनी है, ला गुलामैनी लहू ला का इसम मबनी है, लेकिन इसको मुज़ाफ के साथ तशबीह देकर अलिफ के साथ पढ़ना और हज़्फ़ नून के साथ पढ़ना, यानी ला आबा लहू और ला गुलामै लहू पढ़ना जायज है, और इस सूरत में याद रखो ये मौरब है। ला आबा लहू जब अलिफ के साथ आप पढ़ रहे हैं, अब ये क्या है, मौरब है मनसूब है, और ला गुलामै लहू इस वक्त ये भी क्या है, मौरब है मनसूब है।
तो कहते हैं वह इजरा अन लि अहकामिल मुजाफी अलैही, और उस पर मुजाफ के अहकाम जारी करने के लिए भी, इस बात इल अलिफी व हजफिन नूनी, अलिफ के इस बात और नून के हजफ के साथ, फयकून मुआरबन, तो ये मुआरब होगा, वजालिकत तशबीह इन्नमा हुआ लिमुशारकती ही, और ये तशबीह जो है वो इसलिए है कि लिमुशारकती ही अय मुशारकतिस मिला, ये मुशारकती ही की हा जमीर जो है ये भी ला के इसम को राजे है, कि उस ला के, इधर देखिए, उस ला के इसम की मुशारकत है, अगरचे लाम मौजूद है, अगरचे लाम मौजूद है, लाम जाहिर है, लेकिन फिर भी इसकी मुशारकत है किसके साथ, मुजाफ के साथ। ये माना है, कहते हैं वजालिकत तशबीह इन नमा हुआ लिमुशारकती ही, और ये जो तशबीह है, ये जो मुशाबे बनाना है, ये लिमुशारकती ही अली मुशारकत इसमें ला, वो इसमें ला की मुशारकत की वजह से है, इसमें ला की मुशारकत है, हीन युजाफु भी इजहार लामी बैनहु व बैनमा युजाफु इलैही, जिस वक्त की इसकी इजाफत की जाए लाम के इजहार के साथ, लाम को जाहिर करते हुए, ला आबा लहू, देखो लाम दरमियान में है, लेकिन जमहूर क्या फरमाते हैं कि ये मुजाफ हो रहा है हकीकतन, भाई मुजाफ हो रहा है, कहते हैं ही न युजाफु भी इजहार लामी बैनहू व बैनमा युजाफु इलैही, जिस वक्त की इसकी निस्बत की जाए, इजाफत की जाए, ही न युजाफु, जिस वक्त इसकी निस्बत की जाए बिजहार लाम, या यूं को इसकी इजाफत की जाए बिजहार लामी बैनहू व बैनमा युजाफु इलैही, लाम को जाहिर करते हुए इसके दरमियान और जिसकी तरफ इसकी इजाफत की जा रही है उनके दरमियान, तो इसकी मुशारकत है इस इसमें ला की। तवज्जो से सुनो इधर, ये इसमें ला जिसके साथ लाम जाहिर है और लाम के इजहार के साथ इसकी इजाफत की जा रही है किसकी तरफ, मुजाफिले की तरफ, तो इसकी मुशारकत है लहू अलिल मुजाफी, किसके साथ, मुजाफ के साथ मुशारकत है, फी असली मानाहू, मानाहू कि हा जमीर भी मुजाफ को राजे है, ऐ फी असल मानल मुजाफी, मुजाफ के असल माना में उसके साथ इसकी मुशारकत है, तवज्जो है, तो कहते हैं फी असल मानाहू ऐ मानल मुजाफी, मुजाफ के असल माना में, मिन हैसु हुआ मुजाफुन, इस हैसियत से कि वो मुजाफ है, इस हैसियत से कि वो, देखो इधर देखो, ला अबा लहू, ला अबा लहू, इसमें क्या पढ़ना जायज, ला अबा लहू, देखो इस अब की जरा इजाफत करो हा जमीर की तरफ या जैद की तरफ कर दो, अबू जैदिन या अबू हु कह लो, या अबू जैदिन कह लो, जी अबू जैदिन का क्या माना, जैद का बाप, यानी मालूम हो इस बाप का इख्तिसास है जैद के साथ, वैसे तो अब का क्या माना, तो देखो वैसे अबू जैदिन अब का क्या माना है, अब कहते हैं जिसकी कोई औलाद हो उसको बाप कहते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, मुजाफ का असले माना, मुजाफ का ये मुजाफ के असले माना में उसके साथ शरीक है, तो असले माना जो मुजाफ का मुजाफ होने की हैसियत से है, खुद उस लफ्ज का असले माना मुराद नहीं, नहीं। अब का तो माना है जिसकी औलाद हो भाई, लेकिन यहां ये माना मुराद नहीं, बल्कि जब इस अब की इजाफत कर दी आगे, तो अब इस अब के अंदर इख्तिसास वाला माना आ गया कि ये अपने मदखूल के साथ खास, इसकी उबूवत मदखूल के साथ खास है, तो लिहाजा मुजाफ का असले माने से क्या मुराद है, मुजाफ होने की हैसियत से उसका असले माना मुराद है, खुद उसका अपना लुगवी माना मुराद नहीं है, तो कहते हैं फी असल मानाहू ऐ मानल मुजाफ मिन हैसु हुआ मुजाफुन, यानी मुजाफ का माना मुजाफ होने की हैसियत से, या अनिल इजाफता, यानी कि मुसन्निफ ने किसका इरादा किया, इजाफत का इरादा किया है, यानी मुजाफ का असले माना क्या है, इजाफत है, और वह हुआ इख्तिसास, और वो इख्तिसास है, बात समझ में आ गई। अब अविल माना, यहां से अब दूसरी तौजीह करेंगे, इधर देखिए मतन मतन पे नजर रखो, तवज्जो से सुनो, सिर्फ जमीरों का मर्जे बदलेगा, तशबीहन लहू, ये लहू की हा जमीर किसको राजे की थी, ला के इसम को, तवज्जो है फिर गौर से देखो, तशबीहन लहू, ये लहू जमीर किसको राजे की थी,
ला के इसम को, तवज्जो है, तो ला के इसम को मुशाबे बनाया गया था बिल मुजाफी, किसके साथ? मुजाफ के साथ। अब दूसरी तौजीह करेंगे साहिबे जामी, माना उसका भी वही है, उस तरकीब से भी हासिल माना वही निकलेगा, लेकिन सिर्फ जमीरों का मर्जे बदलेंगे और मुजाफ का माना बदलेंगे। तो अब यूं करेंगे साहिबे जामी कि तशबीहन लहू, ये लहू की हाज अमीर किसको राजे की थी? ला के इसम को। मुजाफ से क्या मुराद है? मुजाफ से मुजाफ मुराद है, तवज्जो है, आगे देखो, ले मुशारकत ही, ये मुशारकत ही की हाज अमीर किसको राजे की थी? ये भी ला के इसम को। तशबीहन लहू की हाज अमीर भी किसको राजे की थी? ला के इसम को। और ले मुशारकत ही की हाज अमीर भी किसको राजे की थी? ला के इसम को। अब दूसरी तौजीह करेंगे साहिबे जामी, माना उसका भी वही है, उस तरकीब से भी हासिल माना वही निकलेगा, लेकिन सिर्फ जमीरों का मर्जे बदलेंगे और मुजाफ का माना बदलेंगे। तो अब यूं करेंगे साहिबे जामी, मुजाफ से मुराद लेंगे वो तरकीब जिसमें इजाफत हो। मुजाफ से क्या मुराद लेंगे? मुजाफ से मुजाफ ना मुराद लो, बल्कि वो तरकीब जिसमें मुजाफ हो, यानी इजाफत वाली तरकीब। और इसी तरह तशबीहन लहू और लिमुशारकती ही, ये दोनों जो गायब की जमीरें हैं, ये ला के इसम को न लौटाओ, बल्कि इसको लौटा दो इस जैसी तरकीबें जो पीछे गुजर गई। इस जैसी, किस जैसी तरकीबें? जिनमें ला का इसम अब अख वगैरह या तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम हो और आगे क्या रहा हो, ला में इख्तिसास, इस जैसी तरकीबें। तो एक तरकीब है इजाफत वाली जिसमें इजाफत हो, और एक तरकीब वो है जिस जो इस जैसी हो जिसमें लाम इख्तिसास तो आ रहा है लेकिन इजाफत नहीं है। तवज्जो है जी। अब देखो मतन, मतन जरा हल कर लें। तशबीहन लहू, मुशाबे बनाने के लिए इस जैसी तरकीबों को, ये ला अबा लहू और ला गुलाम लहू, इस जैसी तरकीबें जिसमें अबा और गुलाम मुजाफ नहीं है, इन जैसियों की तरकीबों को मुशाबे मतन, मतन देखना भाई, तशबीहन लहू, इन जैसी तरकीबों को मुशाबे बनाने के लिए बिल मुजाफी, किसके साथ? मुजाफ से क्या मुराद है? वो तरकीबें जिनमें इजाफत है। तो इन जैसी तरकीबों को मुशाबे बनाने के लिए किनके साथ? उन तरकीबों के साथ जिनमें इजाफत है भाई। क्यों? लि मुशारकत ही, इस वजह से कि इस जैसी तरकीबें जो हैं वो उनकी मुशारकत है। लहू किसके साथ? लिल मुजाफी, और मुजाफ से क्या मुराद है? वो तरकीबें जिनमें, इस वजह से कि इन जैसी तरकीबों की जिनमें लाम जाहिर है, इनकी मुशारकत है मुजाफ के साथ, यानी उन तरकीबों के साथ जिनमें इजाफत हो रही है। फी असल मानाहू, किस चीज में मुशारकत है? मुजाफ के असल माना में, यानी इजाफत वाली तरकीबों के असल माना में। तवज्जो है, जहां मुजाफ का लफ्ज आए वहां इजाफत वाली तरकीबें मुराद ले लो, और दो जगह तशबीहन लहू और ले मुशारकत ही, इनमें हाज अमीर पहले किसको राजे की थी? ला के इसम को। अब ला के इसम को राजे न करो, बल्कि इस जैसी तरकीबें मुराद ले लो। अब फिर देखो तर्जमा जरा, तशबीहन लहू बिल मुजाफी, इस जैसी तरकीबों को मुशाबे बनाने के लिए बिल मुजाफी, उन तरकीबों के साथ जिनमें इजाफत होती है। भाई क्यों ये मुशाबे क्यों बनाया गया इन जैसी तरकीबों को इजाफत वाली तरकीबों के साथ? कहते हैं मुशारकत ही लहू, इसलिए क्योंकि इन जैसी तरकीबों की मुशारकत है उन तरकीबों के साथ जिनमें इजाफत होती है। फी असली माना हूं, उन तरकीबों के असल माना यानी इजाफत के अंदर, जैसे उनमें इख्तिसास था इनमें भी क्या है? इख्तिसास है। तो माल और हासिल एक ही है, सिर्फ जमीरों का मर्जे बदला और मुजाफ से मुजाफ मुराद ले ही लिया, बल्कि मुजाफ वाली तरकीबें मुराद ले ली जिनमें इजाफत होती है। देखिए भाई, कहते हैं अविल माना, या कलाम का माना यह है कि अन्न मिसला अबा लहू। अब देखो भाई, वही मतन वाली इबारत साहिबे जामी शुरू करने लगे हैं। अविल माना या कलाम का माना यह है, अन्न मिसला ला अबा लहू वला गुलाम लहू जाइजुन तशबीहन लहू, कि इस ला अबा लहू और ला गुलाम लहू जैसी तरकीबें जायज हैं। तशबीहन लहू, मुशाबे बनाने के लिए, लहू अली मिसली हाजैनी तरकीबैनी, इन जैसी तरकीबों को मुशाबे बनाने के लिए, हैसु ला इजाफत फीही, इस हैसियत से कि इनमें कोई इजाफत नहीं है क्योंकि इनमें ला मौजूद है, तो इन तरकीबों को मुशाबे बनाने के लिए बिल मुजाफी, किसके साथ? मुजाफ के साथ। आई
भी तरकीब यश्तमिलो अलल इज़ाफती, देखा मुजाफ का क्या माना कर रहे हैं, यानी वो तरकीब जो मुश्तमिल हो इजाफत पर, लिमुशारकती ही, देखो अब लिमुशारकती ही जमीर का मर्जे बदलेंगे, अली मुशारकती ही अली मुशारकती मिसल हाज़ैनी तरकीबैनी लहू, इसलिए क्योंकि इस जैसी तरकीबों की मुशारकत है, लहू अलिमा यश्तमिलो अलल इज़ाफती, उन तरकीबों से जो इजाफत पर मुश्तमिल होती हैं, फी असल माना हो इनके असल माना में, अई माना मा यश्तमिलो अलल इज़ाफती, यानी वो माना जिन पर वो इजाफत वाली तरकीबें मुश्तमिल होती हैं, वह हुआ इख्तिसास हो, और वो इख्तिसास है। बात समझ में आ गई? हां, आगे साहिब जामी फरमाते हैं, इल्ला अन्ना बैन अल इख्तिसासैन तफावुतन, मगर यह बात है कि दोनों इख्तिसासों में फर्क है। अन्ना बैन अल इख्तिसासैन तफावुतन, तफावुत का माना है फर्क, दोनों इख्तिसासों में फर्क है। एक है ला अबालहू, इसके अंदर भी अब का इख्तिसास आ रहा है लाम की वजह से, और एक है ला अबाहू, इजाफत कर दी जाए, इसके अंदर भी इख्तिसास आ रहा है। तो देखो तवज्जो से सुना, फर्क बयान कर रहे हैं, कहते हैं ला अबालहू, इसके अंदर भी लाम इख्तिसास है, तो इस अब का भी इख्तिसास हो रहा है लहू लाम के मदखूल के साथ, और अबाहू जब बराह रास्त इजाफत कर दी जाए इसका भी इख्तिसास है। या जरा लफ्ज जैद ले और वजाहत हो जाएगी, ला अबाली जैदिन, जैद के लिए जिनसे बाप ही नहीं है, तो यहां पर भी यह अब की का इख्तिसास है जैद के साथ, उसकी नफी की जा रही है। और अबा जैदिन, बराह रास्त इजाफत कर दो, लाम मुकद्दर कर दो, तो इसमें भी इख्तिसास है, लेकिन दोनों इख्तिसासों में फर्क है। फर्क यह कि बगैर लाम के अबा जैदिन, यह अब का लफ्ज़ मारिफा बन गया, और अबा ले जैदिन, इसके अंदर यह अब का लफ्ज़ मारिफा नहीं बना। बात समझ में आ गई? तो एक के अंदर इख्तिसास आला दर्जे का है कि वो मारिफा बन गया है, और एक में इख्तिसास कम दर्जे का है कि वो मारिफा नहीं बना। तो कहते हैं इल्ला अन्न बैन अल इख्तिसासैन तफावुतन, मगर यह कि दोनों इख्तिसासों में तफावुत है, फैनल इख्तिसास अल मफहूम मिन तरकीब अल इजाफी, इसलिए क्योंकि वो इख्तिसास जो मफहूम होता है तरकीब इजाफी से, यानी जिसमें इजाफत होती है, अतम, वो ज्यादा ताम है, मिम्मा युफहमु मिन गैरिही, उस इख्तिसास से जो उसके अलावा से समझ में आए। एक वो इख्तिसास है जो इजाफत में समझ में आ रहा है, और एक इजाफत के अलावा लाम की इजहार के साथ समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क है। वो इख्तिसास जो इजाफत वाला है वो ज्यादा ताम है, वो तारीफ के दर्जे तक पहुंच जाता है, मुजाफ मारिफा बन जाता है। बात समझ में आ गई? वमीन सम्मा जी, मतन पहले देखिए, वमीन सम्मा लम यजुज ला अबा फीहा, और इसीलिए ला अबा फीहा जायज नहीं है। ये ला अबा जायज नहीं इसी वजह से, किस वजह से, कि ये जो ला अबा फीहा और ला गुलाम लहू, इस जैसी तरकीबें जायज थी क्योंकि इनको मुशाबे बनाया गया था, किसके साथ, मुजाफ के साथ। क्यों? इख्तिसास का माना दोनों में पाया जा रहा था, और यहां पर ला अबा फीहा, इसके अंदर कोई इख्तिसास नहीं, इसलिए यह तरकीब जायज नहीं। तो कहते हैं वमीन सम्मा अली अजली अन्ना जवाज मिसली हाजैनी तरकीबैनी, के इस वजह से कि इस जैसी तरकीबों का जायज होना, इन नमा हुआ भी तशबीह गैर मुजाफी बिल मुजाफी, वो गैर मुजाफ को मुजाफ के मुशाबे बनाने के लिए है, फी माना इख्तिसासी, किसमें, इख्तिसास के माना में। तो कहते हैं फिर तर्जमा देखिए, कहते हैं अली अजली अन्ना जवाजा मिसली हाजैनी तरकीबैनी, और इस वजह से कि इस जैसी तरकीबों का जायज होना, इन नमा हुआ भी तशबीह गैर मुजाफी बिल मुजाफी, वो सिर्फ गैर मुजाफ को मुजाफ के साथ तशबीह देने की वजह से है, फी माना इख्तिसासी, किस चीज में, इख्तिसास के माना में, गैर मुजाफ को मुजाफ के साथ तशबीह देने की वजह से है, फी माना इख्तिसासी, किस चीज में तशबीह है, इख्तिसास के माना में तशबीह है। तो लम यजूज तरकीब ला अबा फीहा, जायज नहीं है ला अबा फीहा की तरकीब, ऐ फी दारी, जमीर का मर्जे बतलाया कि फीहा की हा जमीर किसको राजे है, दार को,
कहते हैं ली आदमी ली इख्तिसासी, क्योंकि इस तरकीब में इख्तिसास नहीं है। फ़ैनल इख्तिसास अल मफ़हूम मिन इज़ाफ़त अल अब इला शैइन इन्नमा हुवा बि उबूवती ही लहू। कहते हैं इसलिए, इधर देखिए, कहते हैं इसलिए क्योंकि जब अब की इजाफत किसी चीज की तरफ की जाती है तो वहां उससे यह इख्तिसास समझ में आता है कि इसकी उबूवत उस चीज के साथ खास है। अबू जैदिन, अब की इजाफत मैंने जैद की तरफ की तो इससे क्या पता चला कि इस शख्स की उबूवत खास है किसके साथ, जैद के साथ। तो जब अब तवज्जो है, जब अब की इजाफत किसी चीज की तरफ की जाए तो उससे क्या इख्तिसास समझ में आता है कि इसकी कि ये उबूवत जो बयान हो रही है ये इस मुजाफ इले के साथ खास है, जबकि दार के साथ तो अब की इजाफत इस तरह नहीं, दार के साथ तो अब की इख्तिसास नहीं हो सकता कि दार का बाप हो, घर का बाप हो, यहां तो इख्तिसास नहीं हो सकता। कहते हैं फ़ैन्नल इख्तिसास अल मफ़हूम मिन इज़ाफ़तिल अबी इला शैइन, इसलिए क्योंकि वो इख्तिसास जो अब की किसी चीज की तरफ इजाफत करने से समझ में आता है, इन्नमा हुवा बि उबूवती ही लहू, वो इस एतबार से होता है कि उसकी उबूवत उसके लिए खास है, उसके साथ खास है। वहाज़ल इख्तिसास गैरु साबितिन लिल अबी बिन निस्बति इला दारी, और ये इख्तिसास तो बाप के लिए साबित नहीं है घर की तरफ निस्बत करते हुए। बाप का इख्तिसास तो घर के साथ नहीं हो सकता कि वो घर का बाप हो। फला यसह इजाफतहु इला दारी, लिहाजा अब की इजाफत दार की तरफ सही नहीं है। फकैफ युशबिहु तरकीबु ला अबा फीहा, तो कैसे तशबीह दी जा सकती है ला अबा फीहा की तरकीब को, बितरकीब इन युजाफु फीहि अबु इला दारी, उस तरकीब के साथ जिसमें अब की इजाफत किसकी तरफ हो, दार की तरफ, उसके साथ तशबीह नहीं दी जा सकती क्योंकि इख्तिसास नहीं है भाई। तो कहते हैं फिर तर्जमा देखिए, फकई फयुश भी हु तरकीबुल्ला अबा फीहा भी तरकीब युजाफ फीहिल अबु इला दारी, तो कैसे मुशाबे हो सकती है ला अबा फीहा की तरकीब भी तरकीब युजाफ फीहिल अबु इला दारी, उस तरकीब के साथ जिसमें अब की इजाफत हो रही हो दार की तरफ, यह तरकीब उस तरकीब के मुशाबे नहीं हो सकती। किस एतबार से, ले मुशारकत ही लहू फी असल माना हो, कि इसकी मुशारकत हो उसके साथ असले माना में, यहां मुशाबहत नहीं हो सकती कि आप यूं कहें कि इसकी मुशारकत है उसके साथ असले माना में, नहीं भाई, असले माना इख्तिसास यहां है ही नहीं, क्योंकि बाप की जब इजाफत किसी चीज की तरफ की जाए तो क्या इख्तिसास समझ में आता है कि इसका बाप होना खास है इसके साथ, और दार की तरफ तो बाप होना खास नहीं हो सकता। ये आखिरी इबारत का तर्जमा भी समझ में आया या नहीं, देखो पूरी बात, पहले इबारत पूरी देखो, फकैफ युशबिहु तरकीबु ला अबा फीहा, इस तरकीब को कैसे तशबीह दी जा सकती है, बितरकीब युजाफु फीहिल अबु इला दारी, उस तरकीब के साथ जिसमें अब की इजाफत हो रही हो दार की तरफ, उसके साथ कैसे तशबीह दी जा सकती है, ले मुशारकत ही लहू फी असले माना हो, इस चीज में कि इसकी मुशारकत है उसके साथ असले माना में, तशबीह दें और आप यह कहें कि इसकी मुशारकत है उसके साथ असले माना में, भाई कहां से मुशारकत है असले माना के अंदर, इख्तिसास ही नहीं है यहां पर, तो मुशारकत कहां से आ गई, तो आप यह कहें कि ला अबा फीहा पढ़ना भी जायज है जैसे इजाफत के अंदर होता है क्योंकि इसकी उसके साथ मुशारकत है, आप यूं नहीं कह सकते भाई, यूं इजाफत नहीं कर सकते क्योंकि मुशारकत नहीं है असले माना में भाई। वलैसा ऐ मिस्लु हाज़ैनि तरकीबैनि बिमुज़ाफ़िन हकीकतन, और इस जैसी तरकीबें जो हैं वो हकीकत में मुज़ाफ़ नहीं हैं, लिफ़सादिल माना, माना के फासिद होने की वजह से। आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं माना के बाद, अल मुरादिल मुफादी बिहिमा अला तकदीरिल इज़ाफ़ती, अल मुराद यानी वो माना जिसका इरादा किया जाए, अल मुफादी बिहिमा अफादा युफीदु इफादा का माना है दूसरे को फायदा देना, मुफीद किसे कहेंगे जो दूसरे को फायदा दे, और मुफाद वो जो दूसरे को फायदा दिया जाए, वो जो दूसरे को फायदा पहुंचाया जाए वो है मुफाद भाई। मसलन आपको पता नहीं था कि जैद आ चुका है, मैंने आकर आपको बताया जैद आ चुका है, देखो अब आपको एक फायदा हासिल हुआ,
एक नई बात का पता चला जिसका आपको पहले पता नहीं था। तो ये जो आपको पता चला जैद आ गया, ये है मुफाद भाई, जिसका आपको फायदा पहुंचाया गया, जो आपको फायदा हासिल हुआ। तो यहां पर भी कह रहे हैं ली फसाद इल माना, माना के फासिद होने की वजह से, ये हकीकत में मुजाफ नहीं। तवज्जो है, साहिब काफिया ने क्या कहा कि लैसा बि मुजाफिन ली फसाद इल माना, कि ये मुजाफ हकीकत में मुजाफ ला अबा लहू, ये अब हकीकत में मुजाफ नहीं, ली फसाद इल माना, माना के फासिद होने की वजह से। आगे साहिब जामी बतला रहे हैं कि यह मतलब नहीं है कि लुगवी माना खराब हो गया, लुगवी एतबार से कलाम का माना ठीक है, लेकिन जिस माना का मुतकल्लिम इरादा करता है, जो फायदा इस कलाम से मुखातब को दिया जाता है, उसमें खराबी आ गई। आप कहना चाहते हैं ला अबा लहू, आपके कहने का क्या मकसद है कि फुलां के लिए जिन से बाप ही नहीं है, आप यह कहना चाहते हैं, आपने इसका इरादा किया है, यह है माना मुफाद भाई, जिसका फायदा पहुंचाया गया। तवज्जो है कि फला के लिए जिनसे बाप ही नहीं है, और अगर आप इजाफत मान लें तो माना हो जाएगा ला अबाहु मौजूद, फला का वो मालूम बाप मौजूद नहीं, मालूम हुआ बाप उसका मालूम है, मुतायन है। तो आप तो जिनसे बाप की नफी करना चाहते थे, और इस सूरत में क्या लाजिम आएगा, उस फला का बाप उसका मालूम और मुतायन है, फला का बाप है। आपका इरादा क्या था, ला अबा लहू, फला का बाप ही नहीं, और इजाफत मान लें तो माना क्या होगा, बाप तो है लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। देखो आपके माने मुराद, आपने जिसका इरादा किया था, जो आप दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहते थे, जो खबर देना चाहते थे, उसमें खराबी आ गई। बात समझ में, लुगवी माना नहीं खराब, लुगवी एतबार से तो बात ठीक हो गई, ला अबाहु मौजूद, उसका वो जो मालूम बाप है इस वक्त मौजूद नहीं है, या वो गायब है, या वो मर चुका है, तो लुगवी एतबार से तो माना ठीक है, लेकिन मुतकल्लिम जब ये ला अबा फीहा कहता है, उसका यह मतलब नहीं होता कि फलां का मालूम बाप मौजूद नहीं है, बल्कि मकसद होता है उसके लिए जिनसे बाप है ही नहीं। इसी तरह ला गुलामे लहू, इसके जरिए मकसद क्या होता है, फलां इतना गरीब, फलां के दो गुलाम हो ही नहीं सकते, और अगर आप इजाफत मान लें तो खबर महजूफ निकालना पड़ेगी, ला गुलामे ही मौजूदानी, फलां के वो जो मालूम गुलाम है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आप तो कहना चाहते थे उसके लिए दो गुलाम हो ही नहीं सकते, और अब माना क्या बन गया कि उसके लिए दो गुलाम हैं, सबको मालूम है, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं। देखो माना मुफाद और माना मुराद क्या हो गया, खराब हो गया। ये माना है ली फसाद इल मान अल मुराद इल मुफादी बिहिमा, इसलिए क्योंकि वो माना जो इसका जिसका उस कलाम के जरिए इरादा किया जाए, अल मुफादी बिहिमा, और जो इन तरकीबों से जो फायदा हो रहा है, आला तकदीर इल इजाफती, किस इस तकदीर पर, इजाफत की तकदीर पर, वो माना जो है वो खरा फासिद हो जाएगा जी। और वो माना क्या है, वो खुद बयान कर रहे हैं, वह हुआ नफ्यू सुबूती जिनसिल अबी अबिल गुलामैनी लिमरजी जमीर इल मजरूरी बिल इस्तिकलाली, वह हुआ नफ्यू सुबूती जिनसिल अबी, वो जिनसे अब के सबूत की नफी करना है कि फुला के लिए जिनसे अब का सबूत ही नहीं है, फुलां के लिए जिनसे अब ही नहीं है, अबिल गुलामैनी, या फुलां के लिए जिनसे गुलामैन का सबूत ही नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ नफ्यु सबूती जिनसिल अबी अबिल गुलामैनी, के जिनसे अब या जिनसे गुलामैन का के सबूत की नफी है, लि मर्ज जमीर इल मजरूरी, वो जो जमीर मजरूर का मर्ज है, यानी जिसको भी जमीर लौट रही है, चाहे वो जैद है, अमर है, या बकर है, ला अबा लहू, यह हा जमीर जो मजरूर है लाम की वजह से, उससे अब और जिनसे गुलामैन की क्या करनी है, नफी मकसूद है भाई। और बिल इस्तिकलाली, और यह नफी कैसी है, इस्तिकलाल, इस्तिकलाल के साथ है, यानी यह कलाम मुस्तकिल है, यहां किसी कोई जुज महजूफ निकालने की हाजत नहीं। ला अबा लहू, ला गुलामे लहू, ये ला अबा, ये अबा क्या है, ला का इसम, और लहू क्या है, ला की खबर, तो यहां खबर लफ्जों में मौजूद है, लेकिन अगर इजाफत मान ली जाए तो फिर खबर को महजूफ निकालना पड़ेगा। फिर देखिए भाई, कहते हैं वल्लैसा बि मुजाफिन, और ये तरकीबें हकीकत में मुजाफ नहीं है, लिफसाद इल मान अल मुराद इल मुफादी बिहिमा आला तकदीर इल इजाफती, इसलिए क्योंकि वो माना जिसका इरादा किया जाता है, और वो माना जिसका
फायदा पहुंचाया गया है इन दो तरकीबों के जरिए, वो माना खराब हो जाता है अला तकदीर इजाफती, इजाफत की तकदीर पर। भाई वो माना क्या है, कहते हैं वह हुआ नफ्यू सबूत जिन सिल अबी अबिल गुलाम मैनी लिमर जय जमीर इल मजरूर बिल इस्तिकलाली, और वो जिनसे अब और जिनसे गुलामैन की सबूत की नफी करना है जमीर मजरूर के मर्ज से बिल इस्तिकलाली मुस्तकिल्लन। मुस्तकिल्लन क्या है, जमीर मजरूर के मर्ज से नफी करना है जिनसे अब और जिनसे गुलामैन की, मुस्तकिल्लन बिल इस्तिकलाली यानी इस्तिकलाल के साथ नफी है यहां पर, यहां पर कलाम का कोई जुज महजूफ नहीं है। तो कहते हैं वो जिनसे अब या जिनसे गुलामैन की नफी करना है मर्ज जमीर मजरूर के मर्ज से बिल इस्तिकलाल, इस्तिकलाल के साथ मिन गैर इहतियाजिन इला तकदीर खबर इन, बगैर किसी तकदीर खबर की हाजत के, तकदीर खबर की यहां कोई हाजत नहीं, ये लहू ही खबर है। वहां जलमाना यफसुदु अला तकदीर इजाफत मिन वजहैनी, और ये वाला माना जो है फासिद हो जाता है इजाफत की तकदीर पर। अगर यहां क्या फर्ज कर ली जाए, इजाफत फर्ज कर ली जाए तो ये माना फासिद हो जाएगा मिन वजहैनी दो वजह से। अम्मा अव्वलन, अव्वलन तो इसलिए फली अन्ना माना हाजैनी तरकीबैनी, इसलिए क्योंकि इन दो तरकीबों का माना जो है अला तकदीर इजाफती इजाफत की तकदीर पर वो ये होगा ला अबाहू वला गुलामैही। देखो लाम को गिरा दिया, बराह रास्त लहू की हाजमीर की तरफ इजाफत कर दी तो क्या बन गया ला अबाहू वला गुलामैही, ये तकदीर कलाम बन गई। वहाजा ला यतिमु इल्ला बि तकदीर खबरिन, और ये कलाम तो फिर पूरा नहीं होता मगर तकदीर खबर के साथ, के खबर यहां मुकद्दर निकाली जाए। ऐ ला अबाहु मौजूदुन वला गुलामैही मौजूदानी, तो एक तो ये तरकीबी एतबार से खराबी लाजिम आ रही है। अगरचे ये कलाम बिल इस्तिकलाल इस बात पर दलालत कर रहा था, इसमें किसी चीज को महसूफ निकालने की, किसी खबर को महसूफ निकालने की हाजत नहीं थी, लेकिन अगर इजाफत की तकदीर मान ली जाए जैसा जमहूर कहते हैं तो फिर इस सूरत में खबर महसूफ निकालना पड़ेगी। तो एक वजह तो यह हो गई। वह अम्मा सानियन, और दूसरी वजह कहते हैं फली अन अल मुराद नफ्यू सबूत जिन सिल अबी अबिल गुलामैनी लहू, और दूसरा इसलिए क्योंकि मुराद जो है जिसका इरादा किया गया है वो जिनसे अब या जिनसे गुलामैन की सबूत की नफी का इरादा किया गया है लहू उस शख्स के लिए जो जमीर मजरूर जिसकी तरफ राजे है। बात समझ में आ गई। अब यहां इधर देखिए इस जैसी तरकीब ला आबा लहू, मकसूद क्या है फलां के लिए जिनसे बाप ही नहीं, ला गुलामै लहू फुलां के लिए जिनसे दो गुलाम ही नहीं, लेकिन अगर इजाफत मान ली जाए तो माना यह होगा कि इसका वो जो मालूम बाप है उसका वजूद नहीं है। मालूम बाप तो है लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं, तो मकसद तो था जिनसे बाप की नफी, लेकिन आपने तो बाप को साबित कर दिया इसमें। और मकसद था ला गुलामै लहू, फुलां के लिए दो जिनसे गुलाम ही नहीं है, लेकिन ला गुलामै ही मौजूद, उनका माना तो फिर बन जाएगा कि फुलां के दो मालूम गुलाम हैं तो, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप उसके लिए दो गुलामों का बात कर देंगे भाई। तो देखो माना मुराद क्या हो गया, खराब। कहते हैं वह अम्मा सानियन, और दूसरी वजह जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है माना, कहते हैं फली अन अल मुराद नफ्यू सबूत जिनसिल अबी अबिल गुलामैनी लहू, क्योंकि मुराद जो है इसके जरिए जिनसे बाप की सबूत की नफी या दो गुलामों के जिन्स की सबूत की नफी है लहू उस शख्स के लिए। ला नफ्यूल वजूद अन अबी हिल मालूमी अव गुलामै हिल मालूमैनी, न कि ये मकसूद नहीं है कि वजूद की नफी की जाए अन अबी हिल मालूमी उसके मालूम बाप से, औ गुलामै हिल मालूमैनी या उसके दो मालूम गुलामों से, के मालूम बाप से वजूद की नफी की जाए या उसके दो मालूम गुलामों से वजूद की नफी की जाए, ये यहां मकसूद नहीं है भाई। खिलाफल सीबवै हिवल खलील व जमहूर इन नुहाती, कहते हैं बखिलाफ इमाम सीबवै के और इमाम खलील इब्ने अहमद के और जमहूर नहवियों के, बखिलाफ इनके कि ये कहते हैं ये हकीकत में मुजाफ हैं। ला अबा कि अबा हकीकत में मुजाफ है लहू की हाजमीर की तरफ, और गुलामै यह हकीकत में मुजाफ है लहू की हाजमीर की तरफ। और ये इख्तिलाफ सिर्फ इमाम सीबवै नहीं फरमाते, इमाम सीबवै भी, इमाम खलील इब्ने अहमद भी और जमहूर नहवी ये सब इख्तिलाफ करते हैं। वो सब कहते हैं ये हकीकतन मुजाफ है माना के एतबार से।
तो यह माना है खिलाफ अल सीब वही वल खलीली व जमहूरी नुहाती व इन नमा खस सीब वही। सवाल पैदा होता है कि जब सब इख्तिलाफ करते हैं, इमाम सीब वह भी, इमाम खलील इब्न अहमद भी और जमहूर भी, तो मातिन ने, साहिब काफिया ने तो सिर्फ यह फरमाया खिलाफ अल सीब वै ब खिलाफ इमाम सीब वै के, तो सिर्फ इमाम सीब वै का जिक्र क्यों फरमाया, बाकियों का जिक्र क्यों नहीं फरमाया? तो उसका जवाब देंगे, चूंकि इमाम सीब वै इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हैं और इनमें सबसे आला हैं, उम्दा हैं, इसलिए उनको जिक्र फरमा दिया, वरना ये सब इख्तिलाफ करते हैं। कहते हैं वही नमा खस सीब वही बिहाजल खिलाफी, और खास किया इमाम सीब वह को इस इख्तिलाफ के साथ, यानी उन्हीं का नाम जिक्र किया, लिअन नहुल उम्दा तुफीमा बैनहुम, इसलिए क्योंकि इमाम सीब वह इनके दरमियान उम्दा है यानी आला है, इमाम सीब वह इनके अंदर उम्दा और आला है। औली अन अल मकसूद बयान उल खिलाफी ला तायीन उल मुखालिफीना, या इसलिए क्योंकि मकसद जो है इख्तिलाफ को बयान करना है, मुखालिफीन की तायीन मकसूद यहां नहीं। साहिब काफिया सिर्फ इख्तिलाफ बतलाना चाहते थे कि इस मसले में इख्तिलाफ है, किस किस ने इख्तिलाफ किया है यह बतलाना यहां मकसद नहीं। तो एक का जिक्र कर दिया तो उससे भी पता चल गया कि इसमें इख्तिलाफ है भाई। यह माना है औली अन अल मकसूद बयान उल खिलाफ इला तायीन उल मुखालिफीना, और इसलिए क्योंकि मकसूद जो है वो इख्तिलाफ को बयान करना है, मुखालिफीन की तायीन नहीं, यानी वो मकसूद नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां पर बस मुहशी हजरात ने एतराज किया, एतराज ये करते हैं कि साहिब जामी ने क्या कहा। इधर देखिए, इश्काल यह था कि इमाम सीबवे का जिक्र क्यों किया, बाकियों का जिक्र क्यों नहीं किया, बाकी भी तो इख्तिलाफ करते हैं। तो एक वजह यह जिक्र की कि यह सबसे आला है चूंकि इमाम सीबवे, इसलिए इनको जिक्र किया। या दूसरा जवाब यह दिया कि चूंकि सिर्फ इख्तिलाफ बतलाना मकसद था, मुखालिफीन को मुतायन करना मकसद नहीं था, इसलिए सिर्फ इमाम सीबवे का जिक्र किया। इस पर बाद मुहशी हजरात ने एतराज किया है कि पहला जवाब क्या दिया कि इमाम सीबवे को क्यों जिक्र फरमाया, क्योंकि वो इनमें उम्दा हैं, आला हैं। कहते हैं नहीं, इनमें उम्दा जो हैं वो इमाम खलील इब्ने अहमद हैं भाई। वो क्या हैं? इमाम खलील इब्ने अहमद हैं, क्योंकि इमाम खलील इब्ने अहमद, याद रखो, ये इमाम सीबवे के उस्ताज हैं भाई, और नीज ये कुर्रा सबआ में से हैं भाई। किसमें से हैं? कुर्रा सबआ में से हैं, और जाहिर सी बात है कुर्रा सबआ का मकाम आम नहवी हजरात से बुलंद है भाई। तो फिर साहिबे जामी ने कैसे कह दिया ली अन्नहुल उम्दतु फीमा बैनहुम, कि इमाम सीबवे इनमें उम्दा हैं। तो फिर जवाब दिया कि भाई उम्दा से मुराद या तो मशहूर में मुराद ले लें, कि इमाम सीबवे की शोहरत ज्यादा है, उलमा और तलबाए नहव के अंदर ज्यादा शोहरत किसकी है? इमाम सीबवे की है। इसलिए या उम्दा से मुराद यह है कि बसरा के जो नहवी हैं उनमें उम्दा इमाम सीबवे हैं, कि इनमें उम्दा हैं उलमाए बसरा में। मैंने बताया था उलमा के दो गुरोह हैं, एक उलमाए कूफा और एक उलमाए बसरा, और ये तकरीबन कोई 110 के लगभग मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं, और इनमें बड़े बड़े इल्म के पहाड़ गुजरे हैं। तो बसरा वालों के अंदर सबसे ऊंचा मकाम किसका है? इमाम सीबवे का है, इसलिए उनको जिक्र फरमा दिया भाई। आगे देखिए, कहते हैं फमजहबू सीबवे ही वल खलील व जमहूर इन नुहाती, तो इमाम सीबवे और इमाम खलील और जमहूर नहवियों का मजहब यह है कि अन्न मिसल हादत तरकीब मुजाफुन हकीकतन बेअतबार माना, कि इस किस्म की तरकीब जो है वो मुजाफ है हकीकतन बेअतबार माना। किस एतबार से? माना के एतबार से मुजाफ है, लफ्जों के एतबार से मुजाफ नहीं। वह इकहामुल्लामी इकहाम युकहिम, इकहाम का माना है दाखिल करना। वह इकहामुल्लामी बैनल मुजाफी वल मुजाफी इलैही, और जो लाम का दाखिल करना है मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान, ला अबा लहू ला गुलाम मै लहू, मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान क्या लाया गया? लाम। तो कहते हैं जो लाम का दाखिल करना है बैनल मुजाफी वल मुजाफी इलैही, मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान, ताकीदुल्लामिल मुकद्दराती, ये ताकीद है किसके लिए? लामे मुकद्दरा के लिए। ये जो लाम लाया गया ये वो लामे इजाफत नहीं है, लामे इजाफत हजफ हो चुका, वो मुकद्दर है, उसकी ताकीद के लिए ये लामे जायद लाया गया है, उसकी ताकीद के लिए ये लाम जायद लाया गया है।
ताकि ये ला का इसम मारिफा ना बन जाए। अगर मारिफा बन गया तो फिर रफा भी पढ़ना पड़ेगा और तकरार इसम भी होगा। तो इस पर नसब पढ़ना मकसद था और तकरार से बचना मकसद था। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह कमल मुसन्निफ भी फसादी ही, और मुसन्निफ यानी साहिब काफिया ने फैसला फरमाया भी फसादी ही इसके फासिद होने का, लिमा आरफ था उस वजह से जो आपने जान लिया कि ये इजाफत की सूरत में माना मुराद क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? यहां लफ्ज आया ताकीदुल लिलामिल मुकद्दरती व इकहामुल लामी बैनल मुजाफी वल मुजाफी इलैही ताकीदुल लिलामिल मुकद्दरती। तवज्जो है यहां पर, देखो भाई ये ताकीद के बाद एक अलिफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताकीद, क्योंकि लाम है और लाम से हर लाम मुराद है या खास लाम मुराद है जो महजूफ है लाम इजाफत, वो खास लाम, तो इसलिए इस पर अलिफ लाम आया। अल्लामुल मुकद्दरा क्या है? वो लाम जो मुकद्दर है, और इस पर ताकीद की इजाफत कर दी। तो कैसे पढ़ेंगे? ताकीदुल लामिल मुकद्दरा थी, तवज्जो है, तो ताकीद की इजाफत हो रही है अल्लामिल मुकद्दरा की तरफ, तो यहां अलिफ लाम वाला अलिफ लिखना चाहिए। हां एक सूरत यह है कि अगर अल्लाम था फिर इस पर लाम जार्रा भी दाखिल कर दिया गया, इजाफत के बगैर पढ़ो, इजाफत की सूरत में तो वह लाम हजफ हो जाता है, और अगर आप इजाफत नहीं करते यूं भी पढ़ सकते हैं ताकीदुन लिल्लामिल मुकद्दरती। इस सूरत में फिर तीन लाम लिखने चाहिए, एक लाम का लाम, फिर एक अलिफ लाम वाला अल जो उसके ऊपर आया, फिर एक लाम जार्रा जो उस पर आया, तो ताकीदुन लिल्लामिल मुकद्दरती। तो एक सूरत यह है कि यहां एक और लाम का इजाफा कर दें और बगैर इजाफत के पढ़ें ताकीदुन ताकीदुल लिल्लामिल मुकद्दरती, और आप चाहें तो इजाफत कर दें सिर्फ अलिफ बीच में लगा दें अलिफ लाम का अलिफ, तो ताकीदुल लामिल मुकद्दरती भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए वयुहज़फ उस्मु ला हज़्फ़न कसीरन फी मिस्लि ला अलैका ऐ ला बअसा अलैका, और हज़्फ़ कर लिया जाता है ला के इसम को हज़्फ़न कसीरा यानी कसरत के साथ फी मिस्लि ला अलैका इस जैसी मिसालों में, ला अलैका जैसी मिसालों में, ऐ ला बअसा अलैका, ला बअसा अलैका, ऐ ला हरजा अलैका। याद रखो ये किसी को तसल्ली देने के लिए अरबी में कहते हैं ला अलैका या ला बअसा अलैका। तवज्जो है, आप चाहे बास को हजफ कर दें चाहे उसको जिक्र कर दें, ला अलैका या ला बअसा अलैका, यानी कोई शख्स परेशान हो तो उसको तसल्ली देने के लिए कहते हैं, या उससे मसलन कोई गलती हो गई या कुछ हो गया, वो परेशान और नादिम बैठा है, आप उसको कहते हैं भाई ला बअसा अलैका, कोई हरज नहीं भाई, कोई हरज नहीं, ऐ ला हरजा अलैका, आप कोई हरज आप पर नहीं, यानी परेशान ना हो भाई, तो आप तसल्ली देते हैं। तो इसमें चाहे आप ला के इसम को जिक्र करें चाहे हजफ करें, दोनों जायज हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वयु हजफ उस्मुल्ला हस्फन कसीरन फी मिसलि ला अलैका ऐ ला बअसा अलैका, और ला के इसम को कसरत से हजफ कर लिया जाता है ला अलैका जैसी मिसालों में ऐ ला बअसा अलैका। बात समझ में आ गई भाई? क्या, लेकिन याद रखो जब भी कोई लफ्ज हजफ हो उस पर करीना जरूर चाहिए, तो यहां करीना क्या है? कहते हैं ला अलैका, लाम दाखिल हो रहा है अलैका जार मजरूर पर, हालांकि लाम तो जार मजरूर पर दाखिल नहीं होता, वो इसम और खबर पर दाखिल होता है। तवज्जो है, तो लिहाजा यहां इसम महजूफ निकाल लेंगे। तो कहते हैं ला अलैका ऐ ला बअसा अलैका वला युहज़फ़ु इल्ला मा वुजूदिल खबरी, और इस इसम को हजफ नहीं किया जाता मगर खबर के पाए जाते वक्त। इधर देखिए एक लाइन अफी जिन्स का इसम है एक उसकी खबर है, ला बअसा अलैका फिर बअसा को हजफ कर दिया ला अलैका, देखो तो देखो खबर अभी भी मौजूद है, तो इसम को तभी हजफ करेंगे जब खबर मौजूद हो, और खबर को तभी हजफ करेंगे जब ला का इसम मौजूद हो, दोनों को नहीं हजफ करेंगे, दोनों को नहीं हजफ करेंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों हजफ कर दिए, एक मुस्नद है उसको भी हजफ कर दिया, एक मुस्नद इलैह है उसको भी हजफ कर दिया, तो गोया आपने तो कलाम को पूरा हलाक कर दिया।
कलाम के तो दो ही हिस्से होते हैं, एक मुस्नद और एक मुस्नद इलैह। तो अगर दोनों हजफ कर देंगे ये तो आपने कलाम को गोया तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको हलाक कर दिया, लिहाजा दोनों को हजफ नहीं करेंगे। खबर को हजफ किया है तो इसम होना चाहिए, और इसम हजफ करना चाहते हैं तो खबर होनी चाहिए। तो कहते हैं वला युहज़फ़ु इल्ला मा वजूदिल खबरी, और ला को के इसम को हजफ नहीं किया जाता मगर खबर के वजूद के वक्त। लिअल्ला यकून इजहाफन, ताकि कहीं ये इजहाफ ना हो जाए। इजहाफ हलाक करना, सख्त नुकसान पहुंचाना। लिअल्ला यकून इजहाफन, ताकि कहीं हलाक करना ना हो जाइए। यानी आप तो आपने तो पूरे कलाम को ही क्या कर दिया, हलाक कर दिया, मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों को हजफ कर दिया। तो लिहाजा एक को हजफ करेंगे, दोनों को नहीं। तो यहां पर देखो इन्होंने बताया ला के इसम को कभी हजफ भी कर लेते हैं, और वहां मरफूआत के अंदर वहां पर भी ला नफी जिंस की बात की थी। तो ला नफी जिंस का इसम मनसूब होता है और खबर मरफू, और वहां साहिब जामी ने बतलाया था आपको कि ला नफी जिंस की खबर को बसा औकात हजफ कर लेते हैं। कहां बतलाया था, मरफूआत में इसकी खबर को हजफ कर लेते हैं। और यहां ला नफी जिंस के इसम की बात चल रही थी, तो यहां साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ला नफी जिंस के इसम को भी बसा औकात हजफ कर लेते हैं। तो कहीं तालिब इल्म के जहन में यह शुबा ना आए कि पीछे बताया था खबर को हजफ कर लेते हैं अक्सर औकात, यहां बताया इसम को हजफ कर लेते हैं अक्सर औकात, मालूम हुआ दोनों को ही हजफ कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा हजफ कर सकते हैं। तो साहिब जामी ने बतलाया कि नहीं भाई, एक वक्त में एक को हजफ करेंगे, दोनों को हजफ नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ला का इसम वो है मुस्नद इलैह, और ला की खबर क्या है, मुस्नद है। तो एक वक्त में एक को हजफ किया जाता है, दोनों को नहीं, क्योंकि कलाम के दो ही जुज हैं, एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद, इन्हीं दोनों से मिलकर कलाम बनता है। तो अगर आपने दोनों को हजफ कर दिया तो गोया आपने तो कलाम को जड़ से ही काट डाला, उसको बिल्कुल हलाक ही कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया। लिहाजा दोनों को हजफ नहीं करेंगे, एक वक्त में एक को हजफ करेंगे। बात समझ में आ गई। वकौलुहुम ला का ज़ैदिन, अब ला का ज़ैदिन की तरकीब बता रहे हैं, तवज्जो से समझ लो भाई। देखो ला का ज़ैदिन ये लाए नफी जिंस है भाई, का ज़ैदिन याद रखो ये जो काफ है ये हरफे जर है ये, लेकिन ये कभी कभार इसम भी होता है मिसल के माना में, ये क्या होता है इसम। तो ये काफ आप चाहें तो इसको काफ जार्रा बना दें, काफ जार्रा भी मिसल के माना में है, लेकिन एक काफ इसम ही आता है ही इसम वो भाई। तो इसमें आप चाहें तो क्या करें, इस काफ को काफ जार्रा बना दें और ला के लिए इसम महजूफ निकाल लें, क्योंकि कस जैदीन जार मजरूर हमेशा खबर बनते हैं, मुस्नद इलैह नहीं बनते। तो कलाम गोया यूं हुआ ला आहादा का जैदीन, ला आहादा का जैदीन, और कस जैदीन जार मजरूर किससे मुतालिक होंगे, साबितुन से, ला आहादा साबितुन का जैदीन। तवज्जो है। और आप चाहें तो इस काफ को इसम करार दे दें कि यह हर्फ है ही नहीं, यह इसम है, फिर का ज़ैदिन, फिर ये जार मजरूर नहीं है, फिर ये मुजाफ और मुजाफिले हैं, ये क्या है आपस में, फिर मुजाफ और मुजाफिले है, और किस माना में है, मिसल के माना में, किस माना में, मिसल के माना में। लिहाजा काफ को हटाओ, मिसल ले आओ जरा, ला मिसला ज़ैदिन। अब इसको क्या बनाए ला के लिए, कहते हैं आप चाहे खबर बना लो चाहे इसम बना लो, इसम बनाओ तो फिर कैसे पढ़ोगे, ला मिसला ज़ैदिन, और खबर मौजूद उन महजूफ निकाल लेंगे। ला मिसला, ला का इसम है, ला के साथ मिला हुआ है, नकेरा भी है, क्योंकि मिसल की इजाफत मारिफा की तरफ कर दो फिर भी वो नकेरा ही रहता है, और नीस मुजाफ भी है, तीनों शर्तें पूरी, और इस सूरत में ला का इसम मनसूब होता है। तो ला मिसला ज़ैदिन और मौजूद उन खबर निकाल लो, या आप इसको खबर बना दो और इसम महजूफ निकाल लो, ला आहादा मिसलु ज़ैदिन, अहद मबनी अल फता हो जाएगा, ला आहदा मिसलु ज़ैदिन, कोई एक भी जैद का मिसल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या, ये काफ क्या है, इसम भी हो सकता है और हरफे जर भी, और इसम बनाए तो फिर आप इसको चाहे खबर बना दें और ला का इसम महजूफ निकाल लें, और आप चाहें तो इसको ला की खबर बना दें और ला का इसम महजूफ निकाल लें।
وقولهم لا كزيد اور عربوں کا قول لا كزيد ان جعلنا الكاف اسما اگر ہم کاف کو اسم قرار دے دیں جاز ان يكون كزيد اسما تو جائز ہے كزيد یہ اسم ہو جائے یعنی لا کا اسم والخبر محذوفا اور خبر محذوف ہو اي لا مثله موجود زید کا مثل موجود نہیں وجاز ان يكون خبرا اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ خبر ہو جائے اي لا احد مثل زيد کوئی ایک بھی زید کا مثل نہیں وَإِن جَعَلْنَاهُ حَرْفًا اور اگر ہم اس کاف کو حرف قرار دے دیں فَلِاسْمُ مَحْذُوفٌ تو پھر لا کا اسم محذوف ہوگا اَي لَا أَحَدَ كَزَيْدٍ اَي لَا أَحَدَ ثَابِتٌ كَزَيْدٍ بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام